देखिए, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ताल्लुक है, हमारे पास यहाँ एक ऑब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था, क्योंकि ये महकमा जो है 1930 में बना था, महाराजा के वक्त से ये डिपार्टमेंट था, और वही एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकेकार से हम जो फूड ग्रेन प्रिक्योर करते थे और बांटते थे। तो कोई हमारे पास डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड नहीं था, लोगों का इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी, और किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई प्रॉपर सेट मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन जब 2015 में हमारी सरकार बनी और हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रियासत में लागू किया, उसी के साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर में पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया, क्योंकि इस सदी का अगर सबसे बड़ी चीज़ है तो वो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आज एंड्रॉयड फोन है, मोबाइल है, एंड लोग नेट के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, और हमारा मकसद यही है कि जो इस जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है, उस टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है हम उठाएं, और जो पिलफरेजेस फूड ग्रेन की होती थी या सही कंज्यूमर तक फूड ग्रेन नहीं पहुंचता था, ये सारी चीज़ों को हमने प्लग करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को स्टेब्लिश करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब 2015 में हमने इकतदार संभाला था तो हमारे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिस्टें होती थी। डीलर के पास एक लिस्ट होती थी, गार्ड मुंशी के पास एक लिस्ट होती थी, हमारे टीएसओ दफ्तर में दूसरी होती थी, उसके बाद हमारे एडी ऑफिस में तीसरी होती थी, स्टेट लेवल पे कोई होती थी। लिहाजा एक क्योस था लोगों के बीच में कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, किस कैटेगरी में नहीं हूँ। तो एक मैनुअल सिस्टम था, हर महीने लिस्टें बदल जाती थी, चेंज हो जाती थी। बट हमने क्या किया कि हमने 1,25,42,000 लोगों का टोटल जो डाटा था, उस डाटा को कैप्चर किया। डाटा को कैप्चर करके हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया, और हमने जैसे 26 लाख लोगों को बीपीएल राशन कार्ड मिलता था, बीपीएल से राशन मिलता था, हमने उसको भी बढ़ा के कर दिया 75 लाख कर दिया। एज ऑन डेट 74,13,000 लोगों को हम बीपीएल 2 रुपये और 3 रुपये में राशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक जो आज की डेट में किसी को किसी के पास राशन कार्ड मांगने की जरूरत नहीं है, आज सब लोगों का, इस रियासत के हर आदमी का जो डाटा है वो कंप्यूटर में फीड है, आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। आप फूड सप्लाईज के पोर्टल पे जाएंगे, आप अपना नाम टाइप करेंगे, गांव का नाम टाइप करेंगे, तो आप अपनी सारी फैमिली की डिटेल देंगे। बहुत कंबरसम प्रोसेस था, लेकिन हमने एफर्ट करके, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने और सारे मिलजुल के सरकार के एफर्ट से आज वो सारा डाटा कैप्चर हो चुका है। डाटा कैप्चर करने के बाद उनको डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर दिया, और पहली बार हमने 6 लाख लोगों को राशन देना भी बंद किया। जो लोग एफिलिएंट क्लास थे, जो ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, मिनिस्टर्स थे या दूसरी चीज़ों पे जो थे, जो आईनी ओहदों पे बैठे हुए लोग थे या जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस था, जिनके नाम का राशन तो आता था लेकिन वो साइफन हो जाता था, तो हमने उसको भी प्लग किया। तो ये करने के बाद फिर हमारे पास एक सिस्टम आता था कि हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए। अभी तक हमने 55% राशन कार्ड जो है वो आधार के साथ लिंक किए हैं, बाकी भी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है कि हम आधार के साथ इसको लिंक करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कब हमारी गाड़ी कहाँ से निकलती है हम उसको ट्रैक करते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, उसके चलान रिलीज ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, रिसीट्स गोडाउन में एंटर होती है। सो ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में गाड़ी कहीं के लिए डिस्पैच होती थी और वो कहीं और चली जाती थी, ये आती नहीं है। आज एक प्रॉपर मैकेनिज्म से जब एक जगह से FCI से चलान जनरेट होता है तो वो स्टेट गोडाउन में उसको एंटर होना है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑनलाइन एंट्री है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गोडाउन तक मॉनिटरिंग है। डिस्ट्रिक्ट गोडाउन से अब हम सेकंड स्टेप ले रहे हैं फेयर प्राइस शॉप तक, और इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, POS मशीन्स इंस्टॉल कर दी, जो लोगों के फिंगरप्रिंट से या 12 डिजिट नंबर जो उनके पास है वो 12 नंबर डिजिट डायल करने से ही उनका फूड ग्रेन उनको मिल सकता है। लिहाजा हमने कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए किसी गरीब का फूड ग्रेन जो है वो साइफन नहीं हो, हकदार को हक मिले, एफर्ट किए हैं। और मुझे खुशी है कि हमने फर्स्ट फेज में हमने प्रायोरिटी कैटेगरी के लोगों को लिया है, जिनको हमने इस POS मशीन से स्टार्ट किया है। 6,450 मशीनें हमने रियासत की हर
फेयर प्राइस शॉप दुकान पे जो है वो लगा दी है, उनसे लोग कर रहे हैं। कल तक मैंने कल रिव्यू किया था, 9 लाख के करीब इसी महीने में ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुकी है फेयर प्राइस शॉप पे थ्रू ई पॉस मीडियम। अगर हम इस महीने से हम 100% जो है वो ई पॉस मीडियम से ही राशन देंगे। हमने बैन कर दिया कि आप मैन्युअली राशन नहीं देंगे। तो इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक वो डिजिटल कंडास भी लगा दिया, पुराने तकरीज को हमने हटा दिया, टोटल हटा दिया सिस्टम से। और हमारा ये एफर्ट रहेगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में। जो हमारी ई पॉस मशीन है, ई पॉस मशीन जो है वो ऑनलाइन मीडियम मोड पे भी चलती है, जहाँ नेटवर्क है वहाँ तो ऑनलाइन उसकी ट्रांजेक्शन होती है, अनवितरण पोर्टल के साथ कनेक्टेड है और डायरेक्टली हम उसको मॉनिटर करते हैं। और जहाँ पे वो नहीं है वहाँ पे ऑफलाइन मीडियम पे मोड पे मशीन है, और वहाँ से आप अगर किसी एरिया में नेटवर्क नहीं है तो उस पर फीड तो होगा सारा डाटा, लेकिन आपको वो छोटी सी मशीन है वो लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका नेटवर्क है। तो 1 सेकेंड में आपका वहाँ से जैसे नेटवर्क ना मिलेगा एकदम से उसका सारा डाटा जो है वो विद रियल टाइम ट्रांसफर हो जाएगा पोर्टल पे। जी जहाँ जी तक राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का तल्लक है, श्रीनगर वैली कश्मीर में 99.8% जो राशन कार्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 0.2% जो है वो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं कि किसी लोगों ने क्लेम नहीं किया, लेने नहीं आया कोई राशन कार्ड। जम्मू में 84% डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। दूसरी बात, ये आपकी बात ठीक है कि हमने जो प्रिंट किया था 15 to 18 3 साल के लिए किया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि कैटेगरीज फ्रीक्वेंट बदल रही थी, आज कोई पीएचएच कैटेगरी में था वेरिफिकेशन करवाता था वो एनपीएचएच कैटेगरी में आ रहा था, कोई एनपीएचएच कैटेगरी में था, क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख लोगों का डाटा कैप्चर करके उसको सेग्रीगेट करना बहुत कंबरसम प्रोसेस था। लिहाजा हमने, क्योंकि लोगों को राशन बुक्स हमने प्रिंट किए हैं दिए हैं, तो हमने दिसंबर 2019 तक इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। राशन कार्ड